मिथुन राशि वाले जातकों, सितंबर का ये महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, आपके जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होगा, क्या आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स इस महीने में रहेंगे, क्या कुछ नेगेटिव होगा आपका कैरियर, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों, सितंबर 2023 का ये महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। सबसे पहले आपके लिए कुछ अच्छी बातों पर विचार कर लेते हैं जो आपके साथ होने वाली हैं। पॉजिटिव क्या है आपके लिए, अच्छी विचारधारा वाले लोगों से आपके संपर्क बनेंगे जिससे आपकी कार्य क्षमता व कुशलता में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। घर में नवीन वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है जो आपको थोड़ा सा खर्च ज्यादा कराएगी, लेकिन इसके बदले में घर में खुशियां आएंगी। आपने जो लक्ष्य और उम्मीदों को पूरा करने का सपना देखा है, वह सपना इस महीने आप पूरा कर पाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। क्या कुछ आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं सितंबर के इस महीने में? सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई, कैरियर और शादी को लेकर किसी ना किसी प्रकार की चिंता आपके जीवन में आपको बनी रहेगी। इस महीने आप अपने बच्चों की स्टडी को लेकर, उन्हें अपने कैरियर में किस फील्ड में वर्क करना है और मैरिज को लेकर थोड़े से परेशान होंगे। खर्चे आपके थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं जिससे आपका सेविंग्स का जो बजट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। अपने क्रोध में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस महीने ऐसा होगा जब भी आपको क्रोध आएगा तो आप अपनी वाणी पर अपना नियंत्रण खो देंगे, जिसके कारण आप बने हुए काम भी बिगाड़ सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों की बिजनेस और कैरियर के विषय में। व्यापार के मामले में क्या आपके ग्रह योग कह रहे हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। व्यावसायिक मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपको सावधानी से कार्य करने की जरूरत है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति या उच्च अधिकारी से विभाग में झगड़ा होने की आशंका बनी हुई है। खुद को साबित करने के लिए आपको अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, परंतु महीने के अंत तक जो खराब स्थितियां हैं वो सब आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, इसीलिए किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये भी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ की। आपकी परेशानियों में जीवन साथी का सहयोग आपके तनाव को कम करने की कोशिश करेगा, जिससे आप परेशानियों से बच पाएंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। प्रेम और रोमांस में आपकी प्रबलता से आपकी दोनों के संबंध मधुर होंगे और एक दूसरे के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। बात करेंगे आपकी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी होगी तो आप सारी चीजें बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों, जिन लोगों को डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वह बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इस महीने ग्रह और योग अनुकूल नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी दिनचर्या तथा खान पान को भी संयमित बनाए रखना आवश्यक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको लगती है या आप हेल्थ को लेकर अंदर से महसूस करते हैं कि कुछ दिक्कत है, तो तुरंत डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करने की जरूरत है और उस प्रॉब्लम को ठीक करने पर विचार करने की जरूरत है। तो ये रहा मिथुन राशि वाले जातकों आपका सितंबर के महीने का पूरा राशिफल जो मैंने आपको बता दिया है। हम बात करते हैं उपाय के विषय में। तो सबसे अच्छा और सरल उपाय है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन्हें खत्म करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर आप मोदक और दूर्वा गणेश जी को अर्पण करें। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो फिर आप अपने ही घर में गणेश जी के सामने मोदक का नैवेद्य लगाएं और दूर्वा ओम गम गणपतये नमः कहकर अर्पण करेंगे, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।